हाय, कैसे हो तुम लोग? हम लोग पढ़ाई कर रहे थे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे स्नेल्स लॉ। तो एक बार रिव्यू कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्नेल्स लॉ क्या था एक बार देख लेते हैं। और ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, और अगर ये दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और μ1 का मान ज़्यादा हो μ2 से, तो इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम और इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो लाइट बोला जाता है कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा तो क्या होगा? मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। ये θ1 है और ये θ2 है, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। फिर दूसरा फिगर में है कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और अगर ये μ2 है, अब मान लेते हैं μ1 से बड़ा आ गया μ2, तो ऐसे कंडीशन में ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम और ये हो गया मेरा रेरर मीडियम। और लाइट अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। ये एंगल को θ1 मान लेते हैं और इस एंगल को θ2 मान लेते हैं। जेड क्लियर? तो इस कंडीशन में यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका एंगल कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा। ये क्लियर हो गया? इसमें देख रहे हो ना, देखो ये μ1 ज़्यादा है तो θ1 क्या हो गया? कम हो गया θ2 से। और इस केस में क्या हो गया? μ2 ज़्यादा है तो θ1 ज़्यादा हो गया, θ2 कम हो गया। याद रखना है, लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेरर में जाएगा तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड करेगा टुवार्ड्स द नॉर्मल। और स्नेल्स लॉ के बारे में भी बताए थे, स्नेल्स लॉ के बारे में याद रखना है, नोट करके कुछ कुछ। मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल लेयर है डिफरेंट मीडियम का। नोट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता लाइट अगर पास करेगा थ्रू पैरेलल लेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम, जैसे मान लेते हैं लाइट ऐसे आया और इधर से इधर आया, मान लेते हैं, और इधर से इधर गया और इधर से इधर आया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम है वो देखो। ये एंगल अगर θ1 होगा, ओके, तो ये एंगल भी θ1 होगा। ये एंगल अगर θ1 है तो इस एंगल को मान लेते हैं θ2, तो ये एंगल भी θ2 होगा। इस एंगल को मान लेते हैं θ3, तो ये वाला एंगल भी θ3 होगा, और इस एंगल को मान लेते हैं θ4। इस सिचुएशन में क्या होगा? लिखे थे ना, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू पैरेलल लेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम, तो क्या लिखेंगे? μ1 sin θ1, अब बराबर लिखेंगे, देखो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2। ओके, अब μ2 sin θ2 बराबर μ3 sin θ3, μ3 sin θ3, ये भी सही है, और μ3 sin θ3 बराबर μ4 sin θ4 आ जाएगा, और ये कुल मिला के हो जाएगा कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ? पैरेलल लेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम से लाइट पास करेगा तो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 बराबर μ3 sin θ3 और μ4 sin θ4। समझ में आ गया बात? ओके, तो इस पर कुछ कुछ सवाल देते हैं। इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू, लिखेंगे व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू, कब लगाएंगे ये फॉर्मूला? व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू पैरेलल लेयर, PARALLE, पैरेलल लेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम, पैरेलल लेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम,
तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसके आधार पर एक शानदार, कुछ कुछ शानदार सवाल हम लोग करते हैं, बहुत शानदार सवाल, कुछ कुछ नहीं बहुत शानदार सवाल करते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आईआईटी का क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है जो आईआईटी में पूछा हुआ है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको भी मिटा देता हूँ। ये रहा पहला सवाल। देखो मान लेते हैं ये कुछ कुछ मीडियम है, डिफरेंट मीडियम है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है 2001 में। मान लेते हैं एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, तीसरा मीडियम है। ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका μ3 और इसका μ4, और लाइट रे इस प्रकार जा रहा है, कुछ इस प्रकार। ये है इस तरह से, ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है और ई है। तो क्वेश्चन में कहता है कि इफ इफ ए बी लाइन पैरेलल हो जाएगा डी लाइन का, देन ऑप्शन नंबर 1 में μ1 बराबर μ2, ऑप्शन नंबर ब्यू में μ2 इज इक्वल टू μ3, ऑप्शन नंबर सी μ3 इज इक्वल टू μ4, ऑप्शन नंबर डी μ4 इज इक्वल टू μ1। थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लो क्या होगा, आईआईटी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है कि ए बी रे पैरेलल हो जाएगा डी रे का, तो बताना है कि क्या रिलेशन है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ये हुआ पहला नंबर का क्वेश्चन, एक दो बना लेते हैं तो आइडिया मिल जाएगा कैसे होता है ना। क्लियर हो गया, क्लियर ही है ना। देखो ये ए बी लाइन और ये डी लाइन, बहुत अच्छा सवाल है, बना लोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, वीडियो को पॉज करके बनाना है। ए बी लाइन बराबर डी हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ये एंगल अगर मैं थीटा 1 मानूं और इस एंगल को अगर मैं थीटा 4 मानूं, ए बी पैरेलल हो जाएगा डी का। इसका मतलब हुआ देखो, ए बी पैरेलल अगर डी का हो जाएगा तो थीटा 1 बराबर थीटा 4 हो जाएगा। अब समझ में आया, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा ना। यस, दोनों एंगल सेम हो जाएगा। दोनों एंगल जब सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या, स्नेल्स लॉ, डायरेक्ट μ1 साइन थीटा 1 यहां से उठ के यहां आ जाएंगे μ4 साइन थीटा 4। अब यहां θ1 और θ4 बराबर है, θ1 और θ4 बराबर है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आएगा, μ1 इज इक्वल टू μ4 आ जाएगा। क्या इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल है, बनाया जाए ना। देखो ये भी आईआईटी के क्वेश्चन है, आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है। देखो ये कितना शानदार है सवाल, ये देखो, थोड़ा सा अपना अकल लगा लोगे तो बन जाएगा। ये मान लेते हैं मीडियम 1 है और ये मान लेते हैं मीडियम 2 है और ये मीडियम 3 है और मीडियम 4 है और मीडियम 5 है। पांच मीडियम यहाँ पर दिया हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, μ0/2 है, μ0/4 है, μ0/6 है, μ0/8 है, चार मीडियम है। और लाइट रे को कुछ यूं इंसिडेंट कराया गया इस तरह से, लाइट रे को कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट कराया गया। अब ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे होकर ऐसे हो जा रहा है, ये एंगल हो जा रहा है 90 डिग्री, मतलब लाइट रे जस्ट फेल टू रीच इन मीडियम 5। क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन है तो ये एंगल यहाँ था थेटा,
क्वेश्चन करता कह रहा है, देखो ये नॉर्मल से एंगल बना रहा है थीटा, कहता है व्हेन लाइट रेज जस्ट फेल टू गो इन मीडियम 5 देन फाइंड साइन थीटा का मान। कहता है व्हेन लाइट रे जस्ट फेल टू गो इन मीडियम 5 देन थीटा इज नंबर 1 में साइन इनवर्स 1/6, नंबर 2 में साइन इनवर्स 1/8, नंबर सी में साइन इनवर्स 8/6, नहीं, 6/8 और नंबर डी में साइन इनवर्स 1। क्या होगा इसमें आंसर? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इसमें लाइट थीटा एंगल पर इंसिडेंट होगा और इसमें जस्ट फेल हो जाएगा जाने से, तो बताना ये है कि क्या होगा थीटा। बहुत सुंदर सवाल है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ले लो साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 3, एक साथ कई सारे सवाल को कर लेंगे हम लोग और दिमाग को लगाते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि ये मान लेते हैं ग्लास है और ये मान लेते हैं वाटर है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे दिया गया, ओके। और लाइट रे को यहाँ इंसिडेंट कराया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, और लाइट रे कुछ यूं जाता है और कुछ यूं चला जाता है। और इधर है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ओके। ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। बहुत अच्छा, ये म्यू डब्ल्यू था, म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3 था। तो कहता है कि फाइंड फाइंड म्यू जी, म्यू जी का मान कितना होगा? ऑप्शन देता हूं मैं, म्यू जी बराबर ऑप्शन नंबर 1 में म्यू जी बराबर 1/sin i, ओके। ऑप्शन नंबर बी बराबर म्यू जी बराबर 4/3 sin i, ओके। सी नंबर में म्यू जी इज इक्वल टू 3/4 sin i, डी नंबर में म्यू जी इज इक्वल टू 4/3 sin i, ओके। तो इतना खूबसूरत सवाल है कि बनाने के बाद मजा आ जाएगा, है ना। तो बनाया जाए, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये मीडियम और ये मीडियम में सारा लेयर पैरेलल था। जब लाइट डिफरेंट मीडियम से पास करेगा और सारा लेयर पैरेलल होगा, तो क्या टेक्निक बताए थे? μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 बराबर μ3 sin θ3 बराबर μ4 sin θ4, और इस तरह से बन जाता है। तो क्या करेंगे, ये लेयर पैरेलल है तो क्या करेंगे, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ5 sin θ5, 1 और ये 5 कर देता हूं मैं। μ1 के स्थान पर रख दिया μ0 और θ1 के जगह थीटा और μ5 के जगह μ0/8 और यहां sin 90 डिग्री, ओके। तो sin θ का मान आ जाएगा ना, sin θ का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ तो गया, क्या आ जाएगा? sin θ इज इक्वल टू आ गया ना, म्यू नोट कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। तो sin θ बराबर क्या आया?
साइन थीटा बराबर 1/8 आया, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/8 अगर आप बना लिए तो, अगर बना लिया तो वेरी गुड, नहीं बनाया तो वेरी गुड, प्रैक्टिस करेंगे अपने हो जाएगा। एक सवाल से परफेक्शन नहीं आ सकता, ढेर सारा सवाल बनाया जाएगा तो अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना है, मेहनत करना है, लॉज ऑफ अट्रैक्शन, सफलता को आकर्षित करो। देखो यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाएंगे, उसी स्टाइल में बात करेंगे। ये लेयर और ये लेयर पैरेलल है तो क्या करेंगे, बन गया ना, कौन सा ये भला, ये कौन सा, पर आसान है। देखो क्या लगाएंगे, म्यूजी साइन आई, क्या लगाएंगे, म्यूजी साइन आई, म्यूजी साइन आई बराबर हो जाएगा, इसमें तो थेटा मालूम ही नहीं ना, तो इसका लेके क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं ना 1 sin 90, 1 sin 90, तो म्यूजी साइन आई, आई इज इक्वल टू तो 1 आ गया ना, तो म्यूजी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/sin आई, ये हुई ना बात। तीसरा शानदार सवाल लेते हैं हम लोग, हटाते हैं इसको, सबसे जबरदस्त सवाल आने वाला है और वो भी IIT दो एडवांस का क्वेश्चन है, 2018 का शायद, हाँ 2018 का क्वेश्चन, इसको तो बना के देखो और मुझे पूरा उम्मीद है बना लिया जाएगा, बना लोगे तो ट्राई करोगे, देखो ट्राई करते हैं। शानदार सवाल है, देखते हैं। इसमें बहुत सारा मीडियम है, अच्छा सवाल है, सोच के बनाया जा सकता है, घबराना नहीं है। इधर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो है 1.6, ओके, और यहाँ पर ढेर सारा मीडियम है, 1, 2, 3, और यहाँ पर मीडियम है 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, और ये एम मीडियम है, ओके, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 अगर मान लेते हैं तो μ - Δn होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 माने तो μ - 2Δn, और इसका अगर μ3 माने तो μ - 3Δn, और इस प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, μm का μ - m Δn, यहाँ समझ में आया, और Δn बराबर दिया हुआ है, गिवेन है, गिवेन है Δn बराबर 0.1, और लाइट रे इस यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से इंसिडेंट हो रहा है, और वो एंगल है 30 डिग्री, और लाइट रे कुछ इस प्रकार से जाता है, लाइट रे कुछ इस प्रकार से जा रहा है, मान लेते हैं 30 है, और ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे यहाँ हो गया इस प्रकार से, यानी mth मीडियम में जाने से जस्ट फेल हो जा रहा है। तो कहता है कि बताओ m का वैल्यू कितना होगा, म्यू का वैल्यू कितना है, 1.6, यानी ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव 1.6 है, इसका म्यू का मान 1.6 है, और μ - Δn है, μ - 2Δn, μ - 3Δn है, μ - m Δn है, फाइंड करना है m, क्या करना है, फाइंड एम करना है फाइंड, और एक शानदार सवाल है, एम एम को करना है फाइंड, फाइंड करो, दिया 10 सेकंड का मौका तुमको, कैसे निकलेगा एम, दिमाग कैसे लगाओगे। अरे अभी तो बताया हुए, लाइट रे पासेस थ्रू पैरेलल लेयर ऑफ डिफरेंट मीडियम देन फ्रॉम सेंस लॉ μ1 sin θ1 μ2 सब बन जाएगा ना, μ1 sin इसमें और इसमें लगा दो ना स्नेल्स लॉ, बताए थे ना, तो क्या करेंगे, तो
लिखेंगे यहाँ पर म्यू साइन थर्टी बराबर लिख देंगे ना म्यू एम साइन 90, बहुत आसान है। और इस म्यू का मान है 1.6 और साइन 30 का मान है 1/2, और ये म्यू एम का जो मान है वो म्यू माइनस एम डेल्टा एन है, और यहाँ है साइन 90, ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और ये है 1.6, और ये एम और डेल्टा वो एम के जगह 0.1 ले लेंगे और साइन 90 के जगह 1 ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 0.8 बराबर 1.6 माइनस 0.1 m इस तरह से। तो इसको इधर कर देते हैं 0.1 m इज इक्वल टू 1.6 माइनस 0.8, 0.1 m इज इक्वल टू 0.8 और m इज इक्वल टू 8। आए ये तो शानदार सवाल है ना, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये दे लिखते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन, इस तरह का ढेर सारा सवाल कर लिया कर ली कर लो, ऐसा सवाल बना जाओगे तो मजा आ जाएगा, एंजॉय करोगे, फिजिक्स पे कंट्रोल कर लोगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे, देखो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन सेटअप करेंगे जब लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा तब। तो मान लेते हैं कि ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री है, दो बाउंड्री लिया, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये एक लाइन डाल दिया इस तरह से। दो अलग अलग केस ले रहा हूँ मैं, इसमें क्या है, मान लेते हैं कि μ1 से बड़ा है μ2 इस केस में, और इस केस में मान लेते हैं μ1 ज़्यादा है और μ2 कम है। ये ज्यादा है मतलब ये वाला हो गया डेंसर मीडियम, नहीं ये कम है तो ये वाला हो गया रेरर मीडियम, म्यूवन ज्यादा है तो ये क्या हो गया डेंसर मीडियम, और ये कम है तो ये हो गया रेरर मीडियम। ओके, और मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है और लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक, तो लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड कर जाएगा, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में किधर बेंड कर जाएगा, ट्वाइस द नॉर्मल, है ना। तो इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये बन गया इमेज, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एक्स, तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस बन जाएगा वाई, ऐसा मान लेते हैं। ओके, तो यहां पर ये वाला होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, तो ये भी मेरा आई हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा आर होगा, तो ये वाला भी आर हो जाएगा, है ना, और ये वाला आर होगा तो ये भी आर हो जाएगा, ये पूरा आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में देख लेते हैं, लाइट रे को मान लेते हैं ऐसे इंसिडेंट कराए, ओके, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो यहां पर लाइट रे किधर मुड़ करेगा, डेंसर से रेरर में जाएगा, तो क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज यहां पर बन जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट दूरी को एक्स मानेंगे और इमेज दूरी को वाई मानेंगे, और इस रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई अभी सेट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है एक्स है और इमेज डिस्टेंस कितना है वाई है, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन लाना है, क्या रिलेशन आएगा पता है, तो प्रूव कर देता हूं पहले रिलेशन का वैल्यू।
दो बात करना पड़ेगा, पहला तो याद करना पड़ेगा हमेशा, दूसरा है कि कैसे ये आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये आएगा, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। वाई है इमेज डिस्टेंस, एक्स है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, ये देख लेते हैं। इधर ही बना देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो याद कर लेना है वाई इज इक्वल टू आएगा म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स, इसको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, भूल मत जाना इसको। वाई इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन इंटू एक्स। आ देखो जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे लाइट इधर से इधर जाएगा ना, तो ये होगा म्यू वन और ये होगा म्यू टू, इधर से इधर, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट है वो म्यू वन होगा। ये म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट है। और ये म्यू टू क्या है? ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेकिन जिसमें ऑब्जर्वर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जर्वर है। अब इसको प्रूव कर देता हूं मैं, प्रूव करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी कर लेना। देखो प्रूव करने की जरूरत नहीं है लेकिन अब कर देता हूं, क्या करेंगे? देखो क्या करना है, ये मान लेते हैं पी है और ये मान लेते हैं क्यू है, ये है पी और ये है क्यू। क्या करेंगे हम लोग? पहले अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या होगा? म्यू वन साइन आई आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर हो जाएगा। म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ओके। आप देखो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब समझ में आता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होता है, इस तरह से, इस तरह से। तो आई का मान क्या होगा? छोटा हो जाएगा। आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल। क्या? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा तो आई का मान छोटा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में साइन आई का वैल्यू आ जाएगा आई और साइन आर का वैल्यू हो जाएगा आर। यानी जानते हो ना, थीटा अगर स्मॉल होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं, ओके। और ये बराबर हो जाएगा टेन आई और ये बराबर होगा टेन आर। तो क्या होगा? म्यू वन साइन आई को आई लग दिए और म्यू टू साइन आर को आर रख दिए, इसी को लेते हैं म्यू वन टेन आई भी रख सकते हैं ना, आइए रख देंगे म्यू टू टेन आर, इसको यहां से लाए थे है ना। और टेन आई बराबर क्या होगा? टेन आई के जगह रख देंगे ना पी क्यू बटा एक्स हो जाएगा ना, पी क्यू बाय एक्स, इसमें भी वही हो जाएगा पी क्यू बाय, ये अगर आई है ना तो ये भी आई हो जाएगा और ये अगर आर है तो ये आर होगा और ये भी आर हो जाएगा। तो साइन आई बराबर पी क्यू बटा एक्स, अब म्यू टू साइन आर बराबर पी क्यू बटा वाई, वाओ पी क्यू बाय वाई, पी क्यू कट गया तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स आया, म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स, अभी तो बोले थे यही आएगा, आया ना। तो इसका कंक्लूजन जो निकला उसको हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये आया, सबसे पहला कंक्लूजन ये आया कि ऑब्जेक्ट जिधर रहेगा इमेज भी उधर ही बना, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल लाई, सॉरी ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल लाई इन द सेम साइड बाउंड्री, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम साइड ऑफ बाउंड्री। आया समझ में? पहला पॉइंट इससे निकल के आया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम साइड ऑफ बाउंड्री।
सेम साइड ऑफ बाउंड्री, यानी प्लेन सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा इमेज भी उसी साइड में होगा। ओके दूसरा बात जो समझने की है वो है देखो y बाय एक्स कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मैं म्यू टू बाय म्यू वन। यहाँ छोटी छोटी बात समझते हैं, देखो अगर y अगर 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 म्यू वन से बड़ा म्यू टू हो जाए, इससे बड़ा ये होगा तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, x से बड़ा हो जाएगा y, म्यू वन से बड़ा म्यू टू होगा, म्यू वन से बड़ा म्यू टू होगा तो x से बड़ा हो जाएगा y। ओके अगर म्यू वन बड़ा हो और म्यू टू छोटा हो, यानी ये बड़ा हो और ये छोटा हो, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा, x ग्रेटर देन y। और अगर बराबर हो जाएगा तब, अगर म्यू वन बराबर म्यू टू हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर y हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा, देखो इसका अर्थ हुआ कि म्यू टू बड़ा है तो y बड़ा, यानी देखो यहाँ म्यू टू बड़ा है तो y बड़ा और यहाँ देखो म्यू वन है बड़ा तो x बड़ा है। ऐसे पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, सीधा सीधा याद रखना। डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा, ऑब्जर्वर यहीं पर ना होगा, ऑब्जर्वर यहीं पर होगा, यही ना आंख है इसका, तो डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा। ये देखो डेंसर है, डेंसर से देखेंगे तो क्या होगा, दूर नजर आएगा, और रेरर से देखेंगे तो नजदीक नजर आएगा। क्या याद रखना है, डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा और रेरर से देखेंगे तो नजदीक नजर आएगा। बात समझ में आया, थोड़ा समझाता हूँ और स्मार्टली समझा देते हैं। डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा और रेरर से देखेंगे तो नजदीक नजर आएगा, और इन सारी बातों को मैं एक जगह करके समझाता हूँ। देखो कैसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं देखो बड़ा आसान है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है। ओके और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वन है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और उसकी दूरी यहाँ से x है। ठीक दूसरा केस लेता हूँ मैं, देखो दूसरा केस उल्टा है। दूसरा केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है। उल्टा इधर रहने दे, एक मिनट एक मिनट, इसमें ऑब्जर्वर है इधर, इसको देखेगा, और इसमें भी ऑब्जर्वर है इधर, इसको देखने वाला है, ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसमें ऑब्जेक्ट की दूरी है x, तो इमेज की दूरी दोनों केस में क्या होगा, बड़ा आसान है। देखो तो फार्मूला क्या बताया, y इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स बताया, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट ये हुआ म्यू वन और ये हुआ म्यू टू, याद रखना इस केस के लिए y अगर बात करेंगे y इज इक्वल टू म्यू वन ये और म्यू टू ये, तो म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू म्यू एक्स आ गया, यानी x दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितना दूरी पर बन जाएगा, y इज इक्वल टू म्यू एक्स पर बना देना है, आए समझ में। और देखो इसमें ऑब्जेक्ट है x दूरी पर और रेरर मीडियम से देख रहे हैं, रेरर मीडियम मतलब एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर वन है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू बटा म्यू वन इंटू एक्स, तो ये हो गया म्यू वन और ये हुआ म्यू टू, तो म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय म्यू हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है
तो इमेज यहां पर बनेगा और ये दूरी हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स बाय म्यू, वाई इज इक्वल टू एक्स बाय म्यू हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल है ये देखो, इसको थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं मैं। मान लेते हैं कि ये एक स्लैब है, मान लेते हैं ऐसे समझते हैं, ये मान लेते हैं फिश है, ओके, और फिश कहाँ रहती है? वाटर में। तो और इस ये मान लेते हैं वाटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऐसा मान लेते हैं, म्यू तो होता ही है, और म्यू बराबर 4/3 हो जाएगा। और यहां पर क्या है वो देखो, पहचानो क्या है, क्या है? यस, किंगफिशर है। और ये इस फिश को देखने वाला है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज, अगर इसका रियल डेप्थ अगर एक्स है, रियल डेप्थ अगर एक्स है तो एफरेंट डेप्थ, एक्स यहां पर क्या हो गया? रियल डेप्थ हो गया, रियली में एक्स दूरी पर, एक्स यहां इसका रियल डेप्थ है, तो बोलता है कि कितना दूर में नजर आएगा बताओ। तो वाई बराबर कितना होगा? बड़ा आसान है, यहां पर हम इसको बना देता हूं ऑब्जर्वर और इसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ हुआ कि ये देखेगा इसको, समझ में आया कि नहीं? ये देखेगा इसको, उल्टा भी कर सकते हो, ये देखो ये बनाया फिश को और ये बनाया किंगफिशर को, इसको हम ऑब्जर्वर बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं ऑब्जर्वर और इसको बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये है लाइन जिस पर देखना है हमको, तो ये दूरी हम मान लेते हैं x, ऑब्जेक्ट की दूरी बाउंड्री लाइन से x है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट की दूरी बाउंड्री लाइन से x है, ऑब्जेक्ट की दूरी बाउंड्री लाइन से x है और ऑब्जेक्ट की दूरी बाउंड्री लाइन से x है, और हमको देखना है कि इस ऑब्जर्वर को ये इमेज कहां नजर आएगा, तो कहां नजर आएगा, समझ में आ रहा है बात? यानी फिश अगर ऑब्जर्वर है तो फिश को कहां नजर आएगा, यही जानना है हमको। तो ये देखो ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से देखेंगे, डेंसर ये ऑब्जर्वर है और ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो रेरर से देखेंगे तो नजदीक नजर आएगा ना। वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स और y इज इक्वल टू म्यू टू, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, तो ये हो गया म्यू वन और ये हुआ म्यू टू, तो म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स यानी y इज इक्वल टू एक्स बाय म्यू हो जाएगा, क्लियर है बात? और इसमें क्या बात करेंगे, y इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स करना है ना, तो y इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा म्यू वन और ये हो जाएगा म्यू टू, म्यू टू बाय म्यू वन इंटू एक्स यानी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एक्स, यानी इसका इमेज कहां पर बन जाएगा? दूर में बन जाएगा, आए समझ में? यानी अगर ये एक्स दूरी पर है तो ये वाई दूरी पर होगा और वाई बराबर हो जाएगा म्यू एक्स। अरे डेंसर से देखेंगे, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर मैंने म्यू मान लिया, डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा और रेरर से देखेंगे तो नजदीक नजर आएगा, यानी फिश का इमेज यहां पर बन गया इसमें, यहां समझ में आ रहा है बात? अब देखो रियल डेप्थ यहां पर क्या है, रियल डेप्थ बराबर है एक्स और एपरेंट डेप्थ बराबर क्या है? वाई है, ओके। और यहां से देखो म्यू बराबर क्या होगा? एक्स बाय वाई, याद रखना रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद कर लेना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ये बात क्लियर है? ओके। उसके बाद एक शिफ्ट बराबर देखो तो कितना आया, शिफ्ट मतलब अपने पोजीशन पर था यहां एक्स और नजर आ रहा है वाई पर,
वाई इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स बाय म्यू आ गया है, तो शिफ्ट बराबर क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एंड रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ बराबर शिफ्ट, यानी रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ बराबर शिफ्ट, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई की जगह एक्स बाय म्यू, यानी एक्स इंटू वन माइनस वन बाय म्यू, ये शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, याद कर लेना शिफ्ट का फॉर्मूला एक्स इंटू वन माइनस वन बाय एक्स। कुछ सवाल बना के देखते हैं, डेंसर से देखेंगे तो दूर नजर आएगा, रेरर से देखेंगे तो नजदीक नजर आएगा, ये दोनों बात को याद कर लेना, जल्दी जल्दी सवाल बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, फुल फिर समझाता हूँ, फटाफट देखो, क्वेश्चन का नंबर बढ़ाते चलो। ये एक एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखे और यहाँ ऑब्जर्वर है, ओके, और ये मान लेते हैं एक्स है रियल डेप्थ, ये मान लेते हैं एक्स है, ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बाय म्यू लिखेंगे, यानी म्यू बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बाय म्यू बराबर लिखेंगे एक्स बाय वाई, याद रखना म्यू बराबर एक्स बाय वाई, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ। उसके बाद इसमें ये समझना है कि यानी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो नजर आएगा यहाँ, ऐसे समझना है, ऐसे लाइट जाएगा और ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके दिखाई देगा यहाँ, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ना यहाँ दिखाई देगा, यही तो समझना था, ऐसे किए ऐसे लाइट इंसिडेंट हुआ, डेंसर से रेरर में गया तो नॉर्मल की तरफ दूर मुड़ गया ना, और यहाँ पीछे बढ़ाया तो ये ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पर बन गया और ये मेरा वाई दूरी हो गया, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर म्यू है, तो शिफ्ट बराबर क्या होगा, शिफ्ट बराबर एस बराबर एक्स इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। ये तो एक मीडियम था तब ना, अगर दो दो मीडियम ले देता इस तरह समझना है। देखो अगला, तो हल्का हल्का चीज है, तुरंत तुरंत बन जाएगा, ये देख लेते हैं, ये दो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इसका डी वन है और इसका डी टू है, यहां लिया ऑब्जेक्ट यहां लिया ऑब्जर्वर, तो क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर फटाफट देखना है रियल डेप्थ बराबर क्या होगा, रियल डेप्थ बराबर क्या होगा, डी वन प्लस डी टू, अपेरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा, देखो ये मीडियम है, म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डी वन थिकनेस है, तो क्या लिखेंगे, डी वन बाय म्यू वन, अभी ना देख रहे हो, अगर एक्स रियल डेप्थ है तो अपेरेंट डेप्थ बराबर एक्स बटा म्यू, रियल डेप्थ इसमें अगर डी वन है तो डी वन बाय म्यू वन, और उसमें लिखेंगे डी टू बाय म्यू टू, डी टू बाय म्यू टू, अब म्यू इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ बराबर क्या हो गया, डी वन प्लस डी टू, और अपेरेंट डेप्थ बराबर डी वन बाय म्यू वन और डी टू बाय म्यू टू, ये हुआ अपेरेंट डेप्थ। उसके बाद शिफ्ट बराबर क्या होगा, तो शिफ्ट बराबर होता है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, और इस ऐसा ऐसा करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कहता है शिफ्ट जो होगा ना इंडिविजुअल के शिफ्ट के सम के बराबर होगा, इसको करेंगे तो आएगा डी वन वन माइनस वन बाय म्यू वन और डी टू वन माइनस वन बाय म्यू टू, यानी इसको यूं समझ सकते हैं, इसको यूं समझ सकते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूं, मान लेते हैं ढेर सारा लेयर ले लिया, अब समझना है फाइनल, एक लेयर दो लेयर तीन लेयर चार लेयर एन लेयर, एक दो तीन चार एन, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री
म्यू 1, ढेर सारा मीडियम है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रखा गया और यहाँ से देखा गया, और इसका थिकनेस d1 है, d2 है, d3 है और dn है, d1, d2, d3, d4, d5, dn है। तो रियल डेप्थ बराबर क्या देंगे, रियल डेप्थ बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट 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 dn, n मीडियम है ना। एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा, एपरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा, d1 बाय μ1, d2 बाय μ2 डॉट 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 dn बाय μn। ओके, म्यू इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ हो गया d1 प्लस d2 प्लस डॉट 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 डॉट, और ये हो जाएगा d1 बाय μ1, d2 बाय μ2 डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट करके अंतिम में dn ले लेना है, और इसका अंदर dn बटा μn ले लेना है। शिफ्ट बराबर बोलेगा तो सारा शिफ्ट को जोड़ देना है। ओके, तो s बराबर हो जाएगा पहला बार में शिफ्ट 1 माइनस 1 बाय μ1, और दूसरा वाला में शिफ्ट 1 माइनस 1 बाय μ2, और ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते सारा शिफ्ट को निकाल देना है। क्लियर है बात? ओके, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखते हैं अच्छा सवाल को, जब तक सवाल नहीं तब तक समझ नहीं आएगा, सवाल बना के देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए मान लेते हैं ये है d1 बराबर 6 और ये μ1 बराबर है 3/2, और मान लेते हैं ये d2 बराबर है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और μ2 बराबर है 4/3, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, यहाँ यहाँ भी कहीं भी रख सकते हो, यहीं रख देते हैं है ना, तो और यहाँ है ऑब्जर्वर, तो बताना है कि कितना शिफ्ट होगा। देखो ये एयर है और ये भी एयर है, यहीं रख दो है ना, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाद में दिखाऊंगा यहाँ रखने से क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये बताना है, पहला में ये बताना है एपरेंट डेप्थ बताना, फाइंड करना है अपरेंट डेप्थ, दूसरा में बताना है शिफ्ट का वैल्यू, और तीसरा में निकालना है इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़ा आसान है ना, अपरेंट इसी में आंसर बनाता हूँ ना, सोते तो आंसर आ जाएगा। रियल डेप्थ बराबर है 8 + 6 = 14 हो जाएगा, नहीं, और एपरेंट डेप्थ बराबर क्या हो जाएगा, d1 बाय एपरेंट डेप्थ की जगह क्या हो जाएगा, d1 बाय μ1 प्लस d2 बाय μ2। ओके, d1 के जगह रख देता हूँ 6 और μ1 के जगह 3/2, और d2 के जगह 8 और μ2 के जगह 4/3, ये 3 × 6 और 2 × 4, 4 × 8, 3 × 6, यानी 10 सेंटीमीटर होगा एपरेंट डेप्थ। शिफ्ट बराबर क्या होगा, रियल डेप्थ तो यहां दिख रहा है ना कितना होगा, रियल डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ हो जाएगा 8 + 6 = 14, 14 सेंटीमीटर हो गया, और एपरेंट डेप्थ है 10, यानी रियली में है 14 सेंटीमीटर पर और दिख रहा है 10 पर, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, नहीं 14 - 10 यानी 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट का एक दूसरा फार्मूला भी है, शिफ्ट का एक दूसरा फार्मूला है कि d1 1 माइनस 1 बाय μ1 आएगा, ओके, d2 1 माइनस 1 बाय μ2 ये भी आ सकता है इस फार्मूला से। तो d1 के स्थान पर क्या रखेंगे, d1 के स्थान पर रखेंगे
सिक्स सिक्स रख दिए, वन माइनस वन बाय म्यू वन, म्यू वन के जगह रख देंगे थ्री बाय टू, प्लस डी टू के स्थान पर एट रख देंगे वन, अब माइन वन बाय म्यू टू के स्थान पर फोर बाय थ्री रख देंगे। इस प्रकार से आ जाएगा क्या, ये सिक्स आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे अपने से, हो जाएगा कैलकुलेट। अच्छा कर देता हूँ मैं, वन माइनस टू बाय थ्री या एट, वन माइनस थ्री बाय फोर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, थ्री में से टू गया तो वन, वन बाय थ्री, अब प्लस ये हो जाएगा एट में से थ्री जाएगा, फोर में से थ्री जाएगा तो वन, वन बाय फोर, एट इंटू वन बाय फोर, तो ये हो जाएगा टू और ये हो जाएगा टू, इस प्रकार से हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इसका शिफ्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ कितना था 14 सेंटीमीटर और एपरेंट डेप्थ कितना आया 10 सेंटीमीटर, यानी 1.4 आया। क्लियर है बात। सवाल दूसरा देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, सवाल बदल के देखते हैं हम लोग, देखो ट्रिक याद करो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मान लेते हैं ये है डी वन बराबर 1.5 है और म्यू वन बराबर भी 1.5 है, वाओ, म्यू टू बराबर 1.3 है और डी टू बराबर भी 1.3 है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ एक ऑब्जर्वर है, तो बताना है कि कितना होगा शिफ्ट। फाइंड एस एच आई एफ टी शिफ्ट, शिफ्ट बताना है कितना होगा, क्या बताना है शिफ्ट, शिफ्ट कैसे होगा। तो पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो बाद में ट्रिक बताएं, अच्छा पहले समझ लो उसके बाद ट्रिक बताएंगे, क्योंकि ऐसा सवाल कुछ कुछ खासियत है, और ऐसे सवाल को अगर यूं बना दोगे यूं तो कितना आसान रहेगा, दूसरे सवाल में टाइम बच जाएगा तुमको, मतलब है कि कुछ स्पेशल सवाल को स्पेशल दिमाग से बनाने का टेक्निक डेवलप कर लेना चाहिए हम लोगों को। तो ये स्पेशल सवाल है, इसको डेवलप कर लेता हूँ मैं। पहले देखो शिफ्ट बराबर जो होगा दोनों को जोड़ने से हो जाएगा डी वन एस वन प्लस एस टू, तो ये इसमें आएगा इतना वन माइनस वन बाय म्यू आ जाएगा, सेम है नहीं, और इसमें कितना आएगा 1.3 वन माइनस वन बाय 1.3, तो यहाँ एस बराबर हो जाएगा देखो 1.5, 1.5 माइनस वन बाय 1.5, वो ट्रिक समझ में आएगा 1.3, 1.3 माइनस वन बाय 1.3, जो मैं समझ रहा हूँ ट्रिक वही ट्रिक तुमको भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो एस बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1.5 माइनस वन प्लस 1.3 माइनस वन, यानी यहाँ आएगा 0.5 और यहाँ आएगा 0.3, यानी 0.8 आएगा, यानी अगली बार से ऐसा रहेगा ना, तो इसमें एक माइनस कर दोगे, इसमें एक माइनस कर दोगे, जो होगा उसको कर दोगे, यानी इसमें माइनस वन करोगे तो 0.3 होगा, इसमें माइनस वन करोगे तो 0.5 आएगा, तो शिफ्ट बराबर 0.8 आ जाएगा। यानी एक और सवाल बना के देख लेते हैं शिफ्ट वाला स्टाइल में, जल्दी जल्दी बन जाएगा शिफ्ट के स्टाइल में, ट्रिक वाला स्टाइल में एक और सवाल को बना के देख लेते हैं, और वो ये रहा देखो, शिफ्ट कितना होगा ढूंढना है, अगर ये म्यू वन बराबर 1.7 है, म्यू टू बराबर 1.4 है, और डी वन बराबर है 1.7 और डी टू बराबर है 1.4, फाइंड करना है शिफ्ट, फाइंड करना है शिफ्ट का वैल्यू, तो एस बराबर क्या होगा याद रख लेना, इसमें से एक घटाएंगे तो 0.4 आएगा और इसमें से एक घटाएंगे तो 0.7 आएगा और 7 4 11 1.1 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। एक और बना के देख लेते हैं,
ये सवाल है मन को खुश कर देने वाला। देखो देखो देखो, ये रहा एक मीडियम, ओके, ये रहा दूसरा मीडियम और ये रहा तीसरा मीडियम और यहाँ है एक ऑब्जेक्ट और यहाँ है आई। इसका म्यू है 1.7, 1.3 और 1.2। संजोग से दे देता हूं मैं, संजोग से इसको भी दे देता हूं मैं, 1.7 देता हूं मैं, इसको दे देता हूं D2 बराबर 1.3 और इसका देता हूं मैं 1.2। और ये सब एयर है, क्या है? एयर है, एयर है, एयर है और एयर से ही ऑब्जर्वर देख रहा है। इसको भी देने का मन है तो दे लो। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड करना है शिफ्ट, फाइंड करना है SHIFT, इसको शिफ्ट करना है। कितना होगा शिफ्ट? शिफ्ट का वैल्यू कितना होगा? अरे शिफ्ट का वैल्यू मैंने क्या बताया, S बराबर बताया D(1-1)μ। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो इसका शिफ्ट कितना होगा? तो बड़ा आसान था ना, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना शिफ्ट होगा? इसका थिकनेस है 4 और 1-1 बाय μ, 0 ना शिफ्ट हो जाएगा, यानी एयर में शिफ्ट होता है 0। और इसमें शिफ्ट करेंगे उसके बाद, इसमें शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? इसमें शिफ्ट करेंगे तो आएगा 1.7 × 1-1 बाय 1.7 और इसमें शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? इसमें शिफ्ट करेंगे तो 6 × 1-1 बाय μ, म्यू की जगह आ गया 1, ओके। इसमें शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1, 2, 3, इसमें शिफ्ट करेंगे तो आएगा 1.3 और 1-1 बाय 1.3, ओके। और फिर एयर वाला में कितना आएगा? फिर एयर वाला में कितना आएगा? μ × 1-1 बाय μ, फिर उसमें कितना आएगा? 1.2 × 1-1 बाय 1.2। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा 0 और इसमें जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा 0.7 और इसमें जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा 0 और इसमें जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा 1.3। यहाँ से कर लो ना, इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ मैं, और इसमें जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा 0 और इसमें जो शिफ्टिंग आएगा वो आएगा 1.0.2। तो कुल मिला के शिफ्टिंग कितना हो गया? सिर्फ ये शिफ्ट किया और ये शिफ्ट किया और ये शिफ्ट किया और ये दो सब शिफ्ट नहीं किया, यानी 7, 3, 10, 2, 12, यानी 1.2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। बात क्लियर हो गया? शिफ्ट एक्चुअली में क्या होता है, एयर में शिफ्ट होगा, बाकी जगह शिफ्ट नहीं होगा। इसमें एक और सवाल देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये है म्यू बराबर 2.3 है, म्यू 2 बराबर है 1.7 है और ये D1 बराबर है 2.3 और D2 बराबर है 1.7। अब इसमें शिफ्ट क्या होगा? अगर यहाँ ऑब्जर्वर को बिठा दें, ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखा दें, तो शिफ्ट बराबर क्या होगा? फाइंड करना है शिफ्ट। याद रखना एयर में कोई शिफ्टिंग नहीं होता है, तो टोटल शिफ्ट बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ शिफ्ट कितना होगा? 0। इसमें शिफ्टिंग कितना होगा? देखो दोनों दोनों सेम ना है, तो क्या करेंगे, 2.3, ट्रिक बताए थे ना, शिफ्ट बराबर हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा 0, ओके, आ इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करना सिखाए थे ना, आ इसमें शिफ्ट हो जाएगा 1.7-1, यानी इसमें शिफ्ट हो जाएगा 0.1.3 नहीं, आ इसमें शिफ्ट हो जाएगा 0.7, यानी दो मिला के 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट समझ में आ रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब मैं बताता हूं, मैं शिफ्ट से ही रिलेटेड कुछ और बेहतरीन सवाल जो और मजा देने वाला है, वो सवाल ये रहा। कहता है ग्लास स्लैब है, ओके, और ग्लास स्लैब के अंदर में एक ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक। तो बोलता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया है। कहता है कि एक तरफ से देखते हैं तो कुछ और नज़र आ रहा है, दूसरा तरफ से देखते हैं तो कुछ और नज़र आ रहा है, जबकि रियल में कुछ और है। क्वेश्चन बना कर देखते हैं, एक ग्लास स्लैब है, एक मिनट देखो इस सवाल को, ये एक ग्लास स्लैब है, ओके ओके। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट है। बोलता है कि अगर इसका जो म्यू है वो मान लेता हूं मैं 3/2 मान लेते, ये साइड ए है, साइड ए है, ठीक, ये है साइड ए और ये है साइड बी। कहता है साइड ए से देखते हैं, साइड ए से देखते हैं तो ये नजर आ रहा है 4 सेंटीमीटर पर, और साइड बी से देखते हैं तो ये नजर आ रहा है 6 सेंटीमीटर पर है। तो बताइए स्लैब स्लैब की चौड़ाई कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया। कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट ओ, या स्पॉट लग देते हैं, स्पॉट SPOT स्पॉट, व्हेन स्पॉट ओ, व्हेन स्पॉट ओ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम साइड ए, इट अपीयर एट ए डिस्टेंस, इट अपीयर एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, व्हेन ऑब्जर्व, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम साइड बी, इट अपीयर, कहाँ अपीयर होगा, 6 मीटर पर। फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब, फाइंड थिकनेस ऑफ स्लैब। एक सवाल ये रहा और एक सवाल और देता हूं मैं, दो सवाल एक साथ दे देता हूं तो मजा आ जाएगा, दो सवाल एक साथ ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं एक स्लैब ये है, एक है ये, और कहता है कि इसका ये मान लेते हैं कि है, ये मान लेते हैं 14, मान लेते हैं कि ये है 20 मीटर, ओके, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, म्यू बराबर पूछ रहा है कितना होगा। कहता है कि साइड ए से अगर देखेंगे और साइड बी से भी देख सकते हैं, तो कहता है साइड ए से देखते हैं तो 5 मीटर पर नजर आता है, और साइड बी से देखते हैं तो 15 मीटर पर नजर आता है। तो बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा ग्लास स्लैब का, ओके। व्हेन यानी स्पॉट, ये स्पॉट है, स्पॉट है ओ, स्पॉट ओ अपीयर 5 मीटर एंड 15 मीटर, व्हेन व्यू फ्रॉम साइड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। क्वेश्चन समझना है, यानी इधर से देखते हैं तो 5 मीटर पर, और इधर से देखते हैं तो नहीं 10 मीटर पर, इसको कर दो 15 मत कर दो क्योंकि 20 तो है ही, नहीं 10 मीटर पर। तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब क्या होगा, बड़ा आसान है, क्या करोगे ऐसे सवालों में, ये दूरी को हम मान लेते हैं x1 और ये दूरी को मान लेते हैं x2,
यानी इधर से अगर ऑब्जर्वर को फिट किया जाए तो रियल डेप्थ एक्स वन और नजर आएगा कितना पर, यानी वाई वन पर नजर आ रहा है, तो वाई वन बराबर एक्स वन बटा म्यू, और ये इधर से जब देखते हैं तो कितना पर नजर आ जाता है, 4 मीटर का बात, यानी ये 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर इधर से देखते हैं तब, जब इधर से देखते हैं तो रियल डेप्थ कितना एक्स टू है, तो वाई टू बराबर एक्स टू बाय म्यू हो जाएगा, और एक्स टू का वाई टू का मान दे दिया है 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर। बात समझो, कोशिश समझने का कोशिश करें। रियल डेप्थ एक्स टू, तो रियल बटा म्यू बराबर एपरेंट ना हो जाएगा, और उधर से रियल डेप्थ एक्स वन, तो एक्स वन बटा म्यू बराबर ये आ जाएगा, और इसको दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाय म्यू, दोनों को जोड़ दो, एक्स वन बाय म्यू एक्स टू बाय म्यू बराबर 10 मीटर, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू बाय म्यू बराबर 10 मीटर, और एक्स वन प्लस एक्स टू ही एक्स होगा, और म्यू बराबर 3/2 होगा, बराबर 10 हो जाएगा, और एक्स बराबर 10 × 3/2 यानी 2 × 5 = 10, 15 मीटर हो जाएगा एक्स असल में इसका। बात समझ में आया, इसमें तुरंत बन जाएगा। अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स वन और इसको हम मान लेते हैं एक्स टू, एक्स वन जो एक्स टू बराबर 20 है, साइड ए से देखेंगे तो मान लेते हैं वाई वन हुआ, तो वाई वन बराबर एक्स वन बटा म्यू वन, और ये कितना पर नजर आ रहा है, कितना पर नजर आ रहा है, 5 मीटर पर, ये हुआ 5, और साइड बी से देखने पर बन जाएगा, साइड बी से देखेंगे तो कितना है एक्चुअली में एक्स टू पर, और नजर आ रहा है एक्स टू बटे म्यू पर, और ये दिया हुआ है 10 पर। ओके, अब दोनों को जोड़ देंगे अपने आ जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, एक्स वन बटा म्यू प्लस एक्स टू बटा म्यू करेंगे तो बराबर 15 आएगा, और एक्स वन प्लस एक्स टू बटा म्यू बराबर आएगा 15, और एक्स वन जो एक्स टू बराबर हो जाएगा 20, एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर हो जाएगा 20, 20 बटा म्यू बराबर 15, और इस प्रकार से म्यू बराबर आ जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा 20/15, यानी म्यू बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 5 × 20, 5 × 3 = 15, 4/3। आया समझ में बात, बात समझ में आ गया, म्यू का वैल्यू इतना आ जाएगा, तो अगले क्लास में बात करते हैं। ओके।